राष्ट्रपति महोदय, मांग संख्या 29 नगर आयोजन एवं प्रादेशिक विकास पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र आता है, इसकी प्रमुख समस्या मैं रखना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय उसके समक्ष। सभापति महोदय, नगर पालिका क्षेत्र जहाजपुर एक बड़ा कस्बा है, कस्बे के बाहर छोटे छोटे गाँव है जिनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ग्राम पांचा का बाड़ा, ग्राम मुंडीपटा, ग्राम सेलादाता, ग्राम बोराणी, ग्राम लक्ष्मीपुरा, ग्राम राधिका बाड़ा, ग्राम भक्ता की झोपड़ा, इन गांवों में न तो सड़क है, सड़क क्षतिग्रस्त है, पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है और सफाई की व्यवस्था भी नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूँ कि इन गाँवों में भी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। मैं सभापति महोदय, जहाजपुर नागदी नदी की सफाई करना, एक जहाजपुर नागदी एक पौराणिक नदी है, धार्मिक नदी है, इस नदी में पौराणिक घाट कुंड बने हुए हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पौराणिक घाट कुंड व बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाए। सभापति महोदय, मैं मेरे जहाजपुर नगर पालिका की प्रमुख समस्या आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ। विगत एक साल से नगर पालिका चेयरमैन पद स्थापित हुआ, चुनाव हुआ, उसके बाद ईओ का पद रिक्त है, हमारे वहाँ जेएन का पद रिक्त है, अकाउंटेंट का पद रिक्त है, वहाँ एलडीसी के पद रिक्त है। सभापति महोदय, जब सारे पद रिक्त है तो सरकार क्या काम कराना चाहे, वहाँ के लोग आम जन वहाँ परेशान है, छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे पद रिक्त पद भरे जाए। मैं व्यक्तिगत आपसे भी मिला हूँ, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मिला हूँ, सारे रिक्त पद है, मेरा अनुरोध है कि रिक्त पद भरे जाएं। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में एक धार्मिक नगर है, यहाँ जहाजपुर में प्रशासन गांव के संघ अभियान में जो गांव में जो पट्टे ग्रामीण लोगों ने पट्टे मांगे थे कच्ची बस्तियों में, जैसे देवडूंगरी बस्ती, वाल्मीकि समाज के, कटिक समाज के लोग, गोमचा बस्ती के लोग, जिन्होंने पट्टों का आवेदन किया लेकिन उनको पट्टे नहीं दिए गए, व्यक्ति विशेष लोगों को पट्टे बनाए गए हैं। मैं मांग करता हूँ माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से उन गरीब लोगों को, वंचित लोगों को पट्टे, निःशुल्क पट्टे आवंटन कराए जाए। सभापति महोदय, मेरे जहाजपुर में जो नागदी नदी है, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। ये नागदी नदी का, जहाजपुर शहर का या भीलवाड़ा शहर का, मांडलगढ़ शहर का गंदा पानी बनास नदी में आता है और बनास नदी बिशुनपुर का पेयजल स्रोत, हमारे राज्य की प्रमुख पेयजल स्रोत है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश की पेयजल की मेन इकाई है, इस बिशुनपुर योजना में शुद्ध पानी आने के लिए सभी शहरों को शुद्ध पानी के लिए निकासी के लिए व्यवस्था की जाए और जहाजपुर नागदी नदी का निर्माण कराया जाए। सभापति महोदय।